कौन है? अभी आवाज आ रही है? क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट कर रहा हूं, पहले देख ले मैं सवाल कैसे बना रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत ध्यान के साथ अपने पास टॉप पे जाके इंफॉर्मेशन लिखें प्लीज। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ मई 2023। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द मंथ ऑफ 2023 ऑफ प्रोसेस बी। ये धुआं खाने वाले उठ के बाहर चले गए, अभी ये फंसेंगे इसके अंदर। मैं सवाल लिखने से पहले आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूं। यार ये टॉप पे क्या लिखा हुआ है, ये किस महीने की बात कर रहे हैं? मशीन कौन सी है? मशीन प्रोसेस बी है। जरा बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे देख लो। इसका मतलब ये हुआ महीना चेंज हो रहा है, मशीन चेंज नहीं हो रही। आपकी इस वक्त जिस कंडीशन में आप हैं, अगले महीने भी आप इसी कंडीशन में, मोर और लेस एक महीना बूढ़े हो जाएंगे। बंदा तो वही है ना, तो महीना चेंज हो रहा है, मशीन चेंज नहीं हो रही। आपकी हरकतों में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है सर। इस महीने में हमारी कंपनी ने मशीन के अंदर OWIP ऐड किया कितना? 4,000। तो इस सवाल में बोर्ड पर अभी तो मैंने इंफॉर्मेशन नोट करनी है, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो आपने ये नोट करना है क्या? ओपनिंग इज 4,000, जिसकी वैल्यू बन रही है 3,35,000। इसका ब्रेकअप ऑलरेडी आपके पास पिछले सवाल में है, तो अगर इस सवाल में मैं ये इंफॉर्मेशन ऐड करता हूं तो ये न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं बनेगा, ये सवाल का हिस्सा बन जाएगा। तो इस सवाल में एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं, OWIP कितना है मेरे पास? 4,000 किलो। कितना परसेंट पर है? 80% पर है। आपके पास इस 4,000 का ब्रेकअप है, मैं ये ब्रेकअप बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। ये परसेंटेज जो है इसका भी सीन आपको पता है, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, लेकिन आपके पास सवाल में है। इस महीने में, मई के महीने में मैंने 8,000 किलो माल ऐड किया है नया वाला, मई के महीने में। मई के महीने में पीछे से मेरे पास 10,000 किलो माल आया, तो मशीन में टोटल माल कितना हो गया? 10 पिछले प्रोसेस से आया, 8 मैंने नया ऐड किया, 4 पहले से रखा हुआ था, कितना हो गया? 22,000। वेरी गुड। इस महीने जो मैंने मटेरियल ए बाय किया, फिलहाल सवाल में आसानी के लिए, इसमें किसी किस्म का रेट चेंज नहीं हुआ। रियल लाइफ में रेट चेंज होता है। पिछले महीने जब सप्लायर से मटेरियल ए बाय किया था, पिछले महीने कितने रुपए का पड़ा था जरा चेक करना? 64.90। अच्छा, प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल कितने का पड़ा था? इस महीने महंगा पड़ गया 85.1। फटा तो नहीं है कोई? आप पूछेंगे सर ये रेट क्यों चेंज किया? भाई कभी रेट हर महीने चेंज होता है इन्फ्लेशन की वजह से। एक में चेंज नहीं किया, एक में चेंज कर दिया। एग्जाम में दोनों काम हो सकते हैं, सेम भी रहेगा, चेंज भी होगा, हर तरह की सिचुएशन है। कन्वर्जन कॉस्ट आपने लगा दी है तकरीबन 1,60,300 रुपये। मटीरियल इज एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। ये किस मटीरियल की बात कर रहे हैं? न्यू। अच्छा, ये जुमला वैसे मुझे लिखने की जरूरत थी नहीं, भला पूछो क्यों? क्योंकि महीना चेंज हुआ है, मशीन तो वही है, मशीन शुरू में ऐड हुआ है। लॉसेस आर आइडेंटिफाइड व्हेन प्रोसेस इज 7, सॉरी पिछले महीने में कब हो रहा था लॉस आइडेंटिफाई? 70% कंप्लीट। क्यों? सेम रखा है सर आपने। चेंज होता है? चेंज नहीं होता। ये क्यों नहीं होता चेंज? अबे मशीन तो सेम है, क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी तो सेम रहेगी। महीना चेंज होगा, पिछले महीने भी 70 में करे थे, इस महीने भी 70 में करोगे, तो क्वालिटी कंट्रोल आपका देखो तो सेम। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट यूनिट। स्क्रैप की वैल्यू चेंज हो सकती है इन्फ्लेशन की वजह से, फिलहाल हमने सेम रखी हुई है। एक्चुअल आउटपुट पे बात कर लेते हैं। एक्चुअल आउटपुट आ रही है 15,000, क्लोजिंग आ रहा है 3,000। अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है जो आपने पहले सवाल के अंदर की थी, बस एक चीज आपके पास जो है वो सॉल्व करनी है। जरा रिक्वायरमेंट पे गौर कर लीजिएगा प्लीज, मैं बता रहा हूं। एक सेकंड मेरे बच्चे, CWIP आपने नहीं बताया, एक मजे का काम करते हैं। अच्छा जी, तो दोबारा से
इस सवाल में ओपनिंग कितना है? ये पिछले सवाल से आया है। कितने परसेंट है? इसका ब्रेकअप चाहिए तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आपने बोर्ड पे नहीं छापना तो आपके रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ है। नया मटेरियल ऐड किया है 8,000, रेट सेम था प्रीवियस प्रोसेस से, नया मटेरियल ऐड किया है, रेट चेंज हो गया, कन्वर्जन कॉस्ट, ये दोनों बातें हमेशा सेम रहेंगी क्योंकि अब मशीन चेंज नहीं हो रही, महीना चेंज हो रहा है। स्क्रैप की वैल्यू सेम है, नॉर्मल लॉस सेम है, एक्चुअल आउटपुट 15,000 है, 50% के ऊपर। एक क्योंकि ये नया सवाल है, अपने रजिस्टर में जाके इस सवाल के टॉप पे हेडिंग लगा लीजिएगा, आप लोगों की हेडिंग भी सेम होगी, ओपनिंग एज पर एस्को मेथड। तो यहां पे नोट कर लें, कंपनी इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ वेटेड एवरेज फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। ये लफ्ज मेरे नहीं है, एग्जामिनर के पेपर में ऐसे लिखा हुआ है। अगर सवाल एवरेज का नहीं होगा तो लिखेगा कंपनी इज फॉलोइंग फीफो मेथड। तो मैंने आपको इस सवाल के अंदर पॉलिसी क्लियर कट बता दी है, क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है? कोई पढ़ा इसके अंदर? सर इस सवाल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल पिछले सवाल की तरह सेम है। सबसे पहले क्या बनेगा? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। दूसरे नंबर पे क्या बनेगा? क्वांटिटी स्केजुअल। तीसरे नंबर पे क्या बनेगा? एबीयू। चौथे नंबर पे क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस और CWIP, बल्कि नहीं, चौथे नंबर पे कॉस्ट पर यूनिट, पांचवे नंबर पे ये एंट्रीज मास, और छठे नंबर पे बनेगा एक्सप्लेन योर CWIP। तो क्लास बिस्मिल्लाह करें, ये सवाल छापें और जब छाप लें तो मुझे बताएं। ये बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह मेजोरिटी बच्चों ने सही किया है, और अच्छी मिसाइल बोर्ड पर देखें, इंतहाई आसान है। और मेरा आपसे वादा है, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, बोले सर अल्हम्दुलिल्लाह सारे पास पेपर भी हो गए, और आप में कॉन्फिडेंस आए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि आपको रियलिटी की तरफ बाद में जो है वो लेकर आऊं। मैंने तो पहले बोला था ये खराब। टेस्टेड या इंस्पेक्टेड यूनिट्स कितने परसेंट के ऊपर होता है? 70% पर। वेरी गुड। अब बहुत ध्यान से, मैंने आपसे बोला था ना ये सवाल को मैं ए बी सी कंपोनेंट में क्यों करवा रहा हूं। ओए सुन ले, ए बी सी में करवाने का रीजन ये है, वरना तुम लोग रट्टे मार रहे होते इस वक्त। मेरे भाई ओपनिंग में कितने यूनिट्स? एक सवाल का जवाब दे दो। ये मई का महीना, ये ओपनिंग एक जमाने में क्लोजिंग होता था पिछले महीने। मुझे बताओ पिछले महीने जब ये क्लोजिंग था तो ये कितने परसेंट के ऊपर था? तो इस महीने जब मैं पहली तारीख को महीना स्टार्ट करूंगा तब भी ये कितने परसेंट पर होगा? 80%। पिछले महीने जब ये 80% पर था तो आपने डायग्राम ऐसे बनाई थी, कुछ डायग्राम कुछ ऐसे बनी थी, अगर आपको याद आ रहा हो। ऐसे ही बनी थी। अब एक सवाल का जवाब दो, लास्ट महीने की डायग्राम आपके रजिस्टर में बनी हुई है, मैंने दोबारा बनाई है, क्या लास्ट महीने ये क्लोजिंग टेस्ट हो गया था? क्योंकि ये टेस्टिंग के स्टेज को पार करके कहां पर आ गया? 80% पर। इसका मतलब दिस क्लोजिंग वॉज टेस्टेड इन प्रीवियस मंथ। अगर ये टेस्टेड था तो जब ये इस महीने में जाके ओपनिंग बनेगा तो क्या दोबारा इसको टेस्ट करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हुआ हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे 4,000 को ऐड किया, 4,000 यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, जिन लोगों के ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उन्होंने 4,000 माइनस किया हुआ, मशीन में से यूनिट माइनस नहीं करने हैं, बस इन 4,000 को अगले महीने मई के महीने में टेस्ट नहीं करेंगे तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? जीरो। और जीरो क्यों नोट कर रहा हूं? बिकॉज दे वर ऑलरेडी टेस्टेड। अब बहुत ध्यान से बात सुनना है आपको, अभी आपको मजा आ जाएगा। अगर आपने याद करना है, याद ना करें तो अच्छा है।
क्लोजिंग के अंदर क्या हो रहा था मैं बताता हूं, पिछले से पिछला सवाल जरा खोले ना अपने रजिस्टर में, क्लोजिंग के अंदर क्या हो रहा था? अनटेस्टेड था, तो आपने क्या किया था क्लोजिंग? अच्छा पिछले सवाल में क्लोजिंग क्या था तो आपने क्या किया? इसका मतलब यह हुआ कि क्लोजिंग जब अनटेस्टेड होगा तो माइनस होगा, टेस्टेड होगा तो कुछ नहीं करना, रिवर्स में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। और ओपनिंग के केस में उल्टा है, ओपनिंग अगर टेस्टेड होगा तो कुछ नहीं करना, और अगर अनटेस्टेड होगा तो यहां पर शो हो रहा होगा। तो जिन लोगों ने यहां 4000 शो किया है उनसे गलती ये हुई है कि वो 4000 तो पिछले महीने में आप खुद बोल रहे हो कि मैं टेस्ट करके आया हूं, आपके पास लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये 80% है, टेस्टिंग 70 पर होती है, इसका मतलब ये टेस्टिंग से आगे बैठा हुआ है ऑलरेडी, इसको टेस्टेड यूनिट की शीट के अंदर नहीं फेंकेंगे। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपको बहुत जल्दी अपना बनाया हुआ एक सवाल देकर स्टम्प करूंगा हर बंदे को जिसके पास पेपर पूरे हो जाएंगे, सवाल दूंगा ही उसको जिसके पास पेपर पूरे हो जाएंगे, जो बोलेगा सर मैंने 10-12 पास पेपर सारे कर लिए, अलम 10-12 बहुत बड़ी बात है भाई, 120-30 मार्क्स के पास पेपर पूरे तब कर लोगे ना, फिर वो सवाल दूंगा, वहां मैं आपको स्टम्प करूंगा ऑन इनपुट यूनिट्स। जी भैया इनपुट आइंद्रा बात करें, एक इनपुट कहां से आ रहा है? प्रीवियस प्रोसेस कितना आ रहा है? 8000। टेस्टिंग कब होती है? और ये टेस्टिंग से पहले ऐड हो रहा है तो आ जाएगा 10 है। ये लो ये कितना है, कितना हो गया? 18000। एक आइटम और है क्लोजिंग, बहुत ध्यान से इस सवाल में दोनों आइटम है, क्लोजिंग कितने परसेंट के ऊपर है? सवाल में लिखा हुआ है कितना परसेंट है? 50% पर है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं डायग्राम बनाना स्टार्ट करूं, क्लोजिंग यहां बैठा हुआ है, ये मई के महीने में क्लोजिंग टेस्टेड अनटेस्टेड है, इसका मतलब टेस्ट नहीं हुआ, अगर टेस्ट नहीं हुआ तो इसको इनपुट यूनिट से रिमूव कर दो। टोटल इनपुट कितना बन रहा है? 18000 में से क्लोजिंग के कितने यूनिट्स हैं? तो ये 3000 यूनिट टेस्ट नहीं हुए। ऑलमोस्ट हर बच्चे ने क्लास में ये सही किया। कितना हो गया आपके पास टेस्टेड यूनिट्स? 15000। तो देखें ये क्या लिखा हुआ है टेस्टेड यूनिट, तो मेरे बच्चे अगर टेस्टेड यूनिट यहां पे नोट कर रहे हो और ऊपर तुमने 4000 ऐड कर दिए तो तुमने ज्यादती कर दी है। क्यों? ये टेस्टेड तो ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले महीने, तो दोबारा बार बार टेस्ट क्यों कर रहे हो? तो इस सवाल में दोनों आइटम आपने कर लिए, तो क्लोजिंग में अगर अनटेस्टेड है तो रिमूव कर दो, टेस्टेड है छोड़ दो, ओपनिंग में अगर अनटेस्टेड है ऐड कर दो, टेस्टेड है छोड़ दो। ये भी 3-4 सवाल में आप ऑटोमेटिक पर आ जाओगे। इस परसेंटेज को बस अपने दिमाग में रखना, 20% कितना है, 10% कितना बनता है, क्या ये बात समझ आती है? काफी सारे बच्चों ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है लेकिन मुझे पता नहीं है कि उन्होंने ओपनिंग क्यों ऐड नहीं किया, उनको मालूम नहीं था इसलिए ऐड नहीं किया, या उन्होंने बात समझ ली इसलिए ऐड नहीं किया। आज के बाद अगर आप कभी भूलने की कोशिश कर हो रहा हो ना कि यार क्यों हम ऐसा करेंगे, 20A खोलना और 20B खोलना कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि ये पिछली शीट में अगर माइनस हुआ हुआ था, पिछली शीट में अगर ऐड हुआ हुआ था, अगर आपने इसको नहीं छेड़ा तो यहाँ पर दोबारा जाके ऐड तो नहीं करेंगे, दो दफा तो इम्पैक्ट नहीं होगा। ये अपने पास अगर आपने सही कर लिया है, रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे जल्दी से। ईपीयू का मतलब ये होता है, ईपीयू का मतलब ये होता है क्वांटिटी स्केड्यूल बनाए, ईपीयू बनाए, बिस्मिल्लाह करें, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। कितने लोगों ने कर लिया है भैया? रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें प्लीज क्लास। ये मैं आपके सामने क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहा हूं। एक भाई ने पूछा सर ओपनिंग आएगा नहीं आएगा, उसका हो सकता है और भी किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा हो। मेरे बच्चों हर चीज जो मशीन के अंदर है ना, हर चीज वो तो आएगी, ऐसी बात है। आए जरा देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल किस तरह से बनना है, मैं क्वांटिटी स्केड्यूल ही बना रहा हूँ। ये WIP अकाउंट किस मशीन का? बी किस महीने का? वेरी गुड मेरे भाई, सबसे पहला आपके पास मशीन में ऑलरेडी माल रखा हुआ है, कितना रखा हुआ था? फिर आपने नया माल ऐड किया प्रीवियस प्रोसेस से, कितना ऐड किया? फिर आपने नया मटेरियल ऐड किया, कितना ऐड किया? टोटल इनपुट कितना हो गया? अच्छा जी सर फिनिश गुड कितना निकाला आपने? अच्छा नॉर्मल लॉस कितना आ रहा है?
क्लोजिंग कितना आ रहा है, शॉर्टेज का है कितना, हाँ भाई कितने लोगों ने ये किया, जिन लोगों ने नहीं किया वो कहां पे फंस गए थे, तो कुछ है ही नहीं। ओडब्ल्यूआईपी आएगा, ऐसे डर आएगा। अच्छा ओडब्ल्यूआईपी आने का एक क्यू और भी था दोस्त, सीडब्ल्यूआईपी आता है वो क्यों नहीं आएगा। एक और सवाल, सीडब्ल्यूआईपी की एंट्री पास की थी, क्या बनाया उसको, ओपनिंग बनाया, वो तो ओपनिंग बनाओगे दिखाओगे सही, मैंने उसको ओपनिंग बनाया, तो जो रीजन क्लोजिंग के आने का था वही रीजन ओपनिंग के आने का, जो पढ़ा इसके अंदर खत्म हो गया। अच्छा मेरे बच्चों ये सवाल है किस चीज का, हम पढ़ क्या रहे हैं, ओडब्ल्यूआईपी हम पढ़ रहे हैं। ओडब्ल्यूआईपी के दो मेथड होते हैं, कौन से, अभी तक मैंने दो वर्किंग किए, कहीं से महसूस हो रहा है ओपनिंग आया है, महसूस नहीं हो रहा ना, अभी भी नहीं होगा, चेक करना, सुन हो गया होगा। अच्छा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, फिनिश गुड, कितने दोस्त, 15,000, भाई मजाक किया था, बुरा नहीं मनाना यार, वरना सो जाएंगे ऐसे क्लास में पड़े पड़े, पता है 2,500। क्लोजिंग कितना है दोस्त, कितना हो गया, अच्छा आप बहुत ध्यान से, ये आपको मजा आएगा, ईपीयू आपके साथ मैं बना रहा हूं, आप देखते जाएं, अगर पुरानी वाइब्स आ रही है इसका मतलब सवाल में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, फिनिश गुड्स का मतलब ही यही है कि वो हर एस्पेक्ट से मुकम्मल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 का मटेरियल इसमें लग गया, 15 का इसमें लग गया, 15 का इसमें लग गया, नॉर्मल लॉस तो हम ऐड नहीं करते, रीजन बीइंग कस्टमर की कॉस्ट ट्रांसफर करनी है, क्लोजिंग मटेरियल इज एडिड एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा शुरू में ऐड होता है, और क्लोजिंग की परसेंटेज जो है वो कितनी है, क्लोजिंग की परसेंटेज मेरे भाई आ रही है 50% बोले तो 1500। अच्छा मटेरियल आइडेंटिफाई होता है शुरू में, मटेरियल ऐड होता है शुरू में, लॉस आइडेंटिफाई होता है 70% के ऊपर, 70 का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 2,500, ये हो जाएगा 2,500, और ये हो जाएगा 1,750। मेरे पास ईपीयू के यूनिट्स आ गए हैं, कितने कितने यूनिट्स हैं दोस्त, 20,500 यूनिट्स, 20,500 यूनिट्स, 18,250 यूनिट। मेरे बच्चों एक सेकंड के लिए जरा छापना छोड़ दो यार, इस टोपी वाले को बुलाओ, बेटा दिस वॉज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, तीन स्टेप्स आपने पूरे कर दिए, हम ओपनिंग का सवाल कर रहे हैं शाजली, अभी तक कोई एक रुपए का चेंज आया है, तो याद रखें ओपनिंग जो फीफो में आता है ना यहां तक सेम है, इंपैक्ट कहां पे आना स्टार्ट होता है, कॉस्ट वाले के अंदर। अब जरा चेक करना स्टार्ट कर लो, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, जरा बोर्ड पे देख लीजिएगा प्लीज, फीफो की ना पॉलिसी मेजर नहीं, दोनों को करने का अंदाज अलग अलग है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये दोनों मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करते हैं, डिस्क्रिशन समझते हो, मैनेजमेंट की चॉइस के ऊपर, मैंने किसी भी स्टेज पर, ओ यार इसको बोलो पेन छोड़े भाई, किसी भी स्टेज पर ये जुमला नहीं बोला कि कोई भी मेथड सेलेक्ट कर लो आंसर सेम आएगा, आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर अलग अलग आएगा, ये मैनेजमेंट की चॉइस है, कुछ कंपनी पॉलिसी ये होती है कि हम कॉस्टिंग किस बेस पे करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमें अच्छा लगता है, इस कंपनी की क्या पॉलिसी है, हम आंसर एफको की बेस पे करेंगे। अच्छा इसके पीछे एक रेशनल एग्जिस्ट करता है, आपकी बुक इसमें ज्यादा इन डेप्थ बात नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको वो रेशनल दूंगा, दे देता हूं, एफको मेथड उन कंपनीज में यूज होता है जहां पे प्राइसेस हर महीने चेंज करना पॉसिबल नहीं, जहां पे कस्टमर पे बर्डन फॉरन से ट्रांसफर नहीं कर सकते इन्फ्लेशन का, तो कंपनी का रूल क्या होता है, कंपनी का रूल ये होता है अगर पिछले महीने आइटम 30 रुपए का बना था, इस महीने आइटम 40 रुपए का बना था, तो दोनों को ऐड करके बोल दो 35 रुपए का बना है, कॉस्ट इक्वल कर दो, तो अगर पिछले महीने 50 का बेच रहे थे तब भी तुम्हें 20 रुपए का प्रॉफिट, इस महीने 50 का बेचोगे 15 का प्रॉफिट, एवरेज होके 10 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए का एवरेज करना है, फीफो नॉर्मली वहां यूज होता है, जिस इंडस्ट्री का नॉर्म ये होता है कि प्राइसेस हम कस्टमर को ट्रांसफर कर सकते हैं, आजकल पूरा पाकिस्तान फीफो मेथड के अंदर ही पड़ा हुआ है,
क्योंकि आजकल ये बिजनेस नॉर्म बन गया है, कंज्यूमर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है मेंटली कि अब कीमतें बढ़ गई। आप कोई भी काम करवाने जाओ रेट बढ़ गया है। शुरू में लोगों ने बहस की थी, लेकिन अब लोग उस इन्फ्लेशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, लाइफ स्टाइल पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, घर की ग्रोसरी कम आ रही है, बिजली में खर्च करने में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों ने ना एक्सेप्ट कर लिया है मेंटली के अंडे का रेट 300 रुपए, गोश्त 1200 रुपए का। पहले लोगों को मुश्किल हो रही थी, लेकिन एक दो महीने क्यों, क्योंकि अब हर महीने प्राइस पास ऑन हो रही है। तो एफको पॉलिसी क्या बोलती है, एफको बोलती है हम प्राइस पास ऑन नहीं कर सकते ना, तो अगर किसी महीने इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ गई है तो उस महीने कॉस्ट चेंज करो, प्राइस भी चेंज करो, एवरेज करना स्टार्ट कर दो। तो एफको मेथड ये बोलता है पिछले महीने का यूनिट इस महीने का यूनिट आपस में मिक्स होकर एक ही हो गया, तो मिक्स होकर एक हो गया तो दोनों की कॉस्ट भी मिक्स होकर एक हो जाएगी। अब मैं सवाल को पूरा करने जा रहा हूं, अगला आइटम क्या होता था कॉस्ट का, ऐसे ही ये स्टेप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस मशीन में मई के महीने में दो कॉस्ट आ रही है, एक आ रही है इनपुट कॉस्ट, जो आप हमेशा से नोट किया करते थे, आपको मालूम नहीं था कि इसका नाम इनपुट कॉस्ट है। इनपुट कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है सर, इनपुट कॉस्ट आ रही है 61.9 इंटू 8000, कितनी बनती है 61.9 इंटू 8000, 4 लाख। अच्छा, इनपुट कॉस्ट मटेरियल पीपी की 85.10 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10000। अच्छा, और कन्वर्जन कॉस्ट आ रही है 160300। मेरे बच्चे इन तीनों को जरा ऐड करना कितना बनता है, 150। सिर्फ मुझे आपकी अटेंशन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, छाप के आप कुछ उखाड़ नहीं सकते। वैसे सिर्फ यहीं पे चेंज है, चेंज को देख लो कितनी कॉस्ट है, 1470500। ऐसे ही, अच्छा बात सुने, ये काम पहले भी किया करते थे, एक काम और भी करते थे, क्या करते थे, वेरी गुड, स्क्रैप को माइनस करते थे। दादा स्क्रैप कितने का, 15 × 1500। मर तो नहीं गए आप लोग, 22500। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है ये वैल्यू किसी ने गलत बताई है, यार आप दो और आप दो, कैलकुलेटर यूज करना, आप चारों की जिम्मेदारी, आप लोग आंसर बताएं प्लीज, बाकी लोग शो देखें, कितनी कॉस्ट आ रही है, ये सही है, ये कितना है, ये अच्छा स्क्रैप की वैल्यू माइनस होती है, पता होगा कहां से माइनस होती है, ये आता है, अच्छा ओडब्ल्यूआईपी से चेंज ही आएगा। ओडब्ल्यूआईपी ये बोलता है कि ओपनिंग की कॉस्ट को इस महीने की कॉस्ट में ऐड कर दो। तो ओपनिंग की वैल्यू की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी, ओपनिंग में जो माल रखा हुआ था मशीन में पहले से जो 4000 यूनिट थे उनकी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 335,950। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का प्रोसेस, ओडब्ल्यूआईपी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है ओपनिंग की कॉस्ट को इस महीने की कॉस्ट में शामिल कर दो। मैंने इस कॉस्ट को इसमें शामिल कर दिया, बट अगर मुझे इंडिविजुअल पर यूनिट कंपोनेंट कॉस्ट निकालनी है तो आई आल्सो नीड ब्रेकअप ऑफ ओडब्ल्यूआईपी। क्या आपके पास ओडब्ल्यूआईपी का ब्रेकअप है, पिछले सवाल से भी निकाल सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। इस ब्रेकअप में 171480 आ रहा है, इस ब्रेकअप में 137560 आ रहा है, और इस ब्रेकअप में 27,072 रुपए यहां आ रहा है। तो बेसिकली इस टोटल कॉस्ट में हर कंपोनेंट के अंदर आपने कॉस्ट को शामिल कर यहां पर ऐड कर दिया है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये सवाल कौन सा मेथड फॉलो कर रहा था, और इस पूरे सवाल में ओपनिंग की जो इंफॉर्मेशन दी गई है मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन यूज की है, कॉस्ट का ब्रेकअप के कंप्लीशन का ब्रेकअप। इसका मतलब यह है कि अंदर की हिंट यह है कि अगर एग्जामिनर मेथड नहीं लिख रहा और एग्जामिनर ने सिर्फ कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है तो एग्जामिनर कौन सा मेथड मांग रहा है, और अगर एग्जामिनर मेथड नहीं लिख रहा और एग्जामिनर ने कॉस्ट का ब्रेकअप तो नहीं दिया, इसका ब्रेकअप दिया है, तो कौन सा मेथड मांग रहा है, P4। और अगर एग्जामिनर ने दोनों पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिए हैं जिस तरह मैंने दे दिए हैं तो एग्जामिनर बताएगा, तो एग्जामिनर बताएगा। अब ये नहीं बोलना सर अगर एग्जामिनर ने ये भी ना बताया तो, ये बहुत बड़ा भंड है एग्जामिनर का, देन इट्स एन ओपन शूट।
आपका जो मेथड दिल करे आप वो फॉलो कर लें। अगर एग्जामिनर दोनों इन्फॉर्मेशन दे और पॉलिसी भी ना लिखे तो पेपर में लिख देना कि सिंस पॉलिसी इज नॉट मेंशन मैं एफ को फॉलो करूं, सिंस पॉलिसी इज नॉट मेंशन फीफो फॉलो करूं। किसी का बाप भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता, लेकिन ऐसे भंड हुआ करते थे 10-12 साल पहले, कभी एक आध गलती हो जाए, ये नहीं होता पेपर में। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर है? एफ ओ का मेथड मेरे सामने आ गया, मेरे भाई टोटल कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है, 171, 480 प्लस 851, तीनों बंदे एक एक जो है वो सॉल्व कर ले प्लीज, माइनस 22,500 बताएं भाई, कोई भी नहीं, सब छापने में लगे हुए यार, नहीं गलत बता रहे हो, 9,00,980, थैंक यू, 1,37,560, 4,95, 200, 6,00,760, ऐसे ही है? क्या ये बात यहां पे क्लियर होती है? अच्छा जी सर, अब जरा गौर से बात सुने, दिस इज द एंड ऑफ एफको मेथड। दोबारा से अब्दुल रहमान बाद में छापना मेरे बच्चे, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर। स्टेप 1 में कोई चेंज, स्टेप 2 में कोई चेंज, स्टेप 3 में कोई चेंज, सिर्फ स्टेप 4 में चेंज, दैट्स इट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम क्या करते हैं? सीपीयू निकालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस या गेन की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? ये अकाउंट पूरा हो, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये चेंज है। कोई स्यापा इसके अंदर? इस सवाल को घर पे जाके पूरा करें, यहां तक इसको छाप लें, और इस क्वेश्चन का 20 पार्ट C हम नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस को पूरा कर रहे होंगे तब करेंगे। बुक आपको इंशाल्लाह वीक के एंड पे सेकंड एडिशन बुक का मिल जाएगा। प्रोसेस के पास पेपर की PDF मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर कर देता हूँ। मेरी बुक में जो PDF का जो प्रोसेस का पोर्शन है वो सारे का सारा मैं आपको व्हाट्सएप में दे देता हूँ, क्योंकि अगली क्लास में ओपनिंग हमारे पास फीफो हिट होते साथ ही पास पेपर के अंदर हम एंट्री मार देंगे, ठीक है ना? फिर वो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते रहेंगे। प्लीज अपने छाप लीजिए, ये सबसे आपका एडवांस लेवल था।